सीएम राइज विद्यालय का निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों को 3 माह से मजदूरी ना मिलने पर मजदूरों ने काम बंद करके हड़ताल की है। मजदूरों ने प्रशासन से मजदूरी दिलाने की गुहार लगाई। अमरपाटन में सीएम राइज विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। विद्यालय का निर्माण कर रहे मजदूरों को 3 माह से वेतन नहीं मिला, जिसके बाद मजदूरों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। मजदूरों ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार द्वारा बाहरी मजदूरों से पिछले कई माह से काम लिया जा रहा है, मगर पिछले 3 माह से काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी नहीं मिल रही है, जिस वजह से सभी मजदूरों की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। भैया 3 महीने से अपन काम किए हैं, आज तक पैसा मिला नहीं है। खर्ची मिलती रही 500 रुपए देता है, 4 दिन के लिए पूछती रही है 2 दिन की। फिर इसके बाद मांग हुई हमारे पेमेंट के लिए, 10 तारीख को बोला था पैसा देने के लिए, आज तक होगा पैसा मिला नहीं। कलेज बन रही है इन मन से, 3 महीने से हम बचे भूखे प्यासे, गाड़ी का तेल तक का पैसा हमको कंपनी नहीं दी अभी तक। हमारा कहना हमारी कौन पगार है, ये हमको दे दे, अपना काम अपने पास रखे। काम करते हैं, पैसा नहीं देता है। 3 महीना काम करे भूखे बैठे रहते हैं, कोई नहीं सुनता। ये कहते हैं आज नहीं काल, काल नहीं पारो, आप 15 दिन से काम बंद करे। धरना दे रहे हैं साहब, पैसा काम किए हैं 3 महीने से, पैसा नहीं मिल रहा। अब बोलते हैं कल देंगे, परसों देंगे, इस तरह करते करते 3 महीने हो गए। अब हम यहाँ काम करते हैं, मजदूरी नहीं दे रहे, तब लास्ट में जा करके हमको ये कदम उठाना पड़ा। अब एक आदमी का तकरीबन मिस्त्रियों का जो है तो 600 रुपये के रेट से वो पड़ा है, लेबर का 400 रुपये के रेट से पड़ा है, और जो महिलाएं हैं उनका 300 रुपये के रेट से, जोड़ लीजिए कितना पैसा होता है। आगे सोचा, हम ये सोच रहे हैं कि हमारा पैसा शांतिपूर्वक मिल जाए, सहयोग दीजिए तो हमारा गरीबों को पैसा मिल जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।